सो गाइस, आइस स्क्रीम 8 के लेटेस्ट अपडेट जो आने वाला है उसमें हम लोग देख सकते हैं एक स्नीक पिक शेयर किया है टीम कैपलिन्स ने, एंड इस स्नीक पिक में हम लोग लिज के कंधे पे एक हैमस्टर देख सकते हैं। वेल, इस हैमस्टर पे ही आज की पूरी वीडियो डेडिकेटेड है। तो इस हैमस्टर का इस्तेमाल आखिर किस टाइप से हो सकता है इस गेम में? देखो, या तो ये भी हो सकता है कि जो हैमस्टर है ना, इसको पहले ये तीनों किड्स एक्सट्रैक्शन रूम के अंदर किसी छेद से भेजेंगे, देन ये एक्सट्रैक्शन रूम का जो पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको काट के तबाह कर देगा एंड डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। हमने जब लास्ट टाइम आइस स्क्रीम चैप्टर 8 में एस्केप किया था तो आप लोगों को पता होगा कि सारे डोर्स ओपन हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे रॉड ने सब कुछ देख लिया था कि एक्सट्रैक्शन रूम का डोर ओपन पड़ा है, तो रॉड तुरंत गया था। तो हो सकता है उसने दोबारा से लॉक कर दिया हो इस डोर को, ये भी पॉसिबल है। एंड इसी डोर को खोलने के लिए हम इस हैमस्टर का यूज़ एक बार फिर से करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि हम लोग वो जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, जिसका इस्तेमाल करके शायद हम लोग रॉड को फाइनल दी एंड करेंगे, उस इंग्रेडिएंट को हम लोग किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ लिक्विड वगैरह मिलाना, उसमें एक नया इंग्रेडिएंट तैयार करना जो कि हम रॉड को खिला सकें ताकि शायद वो और चबी हो जाए या फिर वो एकदम गुड ह्यूमन बन जाए। तो वो चीज़ करने के लिए हमें शायद इस हैमस्टर का यूज़ करना पड़ेगा। हम पहले इस हैमस्टर पे वो चीज़ यूज़ करेंगे, देन हम लोग उसको रॉड के लिए ट्रैप की तरह रखेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जो हैमस्टर है भाई, आखिर इसका क्या यूज़ होने वाला है भाई? वैसे ये जो लिज के कंधे पे बैठा हुआ है बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है भाई, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इसके बारे में कमेंट करके। एंड यस, मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज हूँ 9000 सब्सक्राइबर के, तो भाई जल्दी से करा दो और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।